हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड द साइन एंड कॉस ए। ओके, तो इन क्वेश्चन इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल आपका एबीसी, राइट एंगल एट बी, बी राइट एंगल क्या है आपका, बी है, इस पे क्या है आपका बी। ओके, राइट एंगल एट बी, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका सी है। बात समझ में आया? तो हमने ए बी सी ट्रायंगल बनाया, इस आपका ए सी हमें नहीं फाइंड है, तो हम इसको फाइंड करेंगे पहले। ओके, जो कि आपका ए साइन ए कॉस ए है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू क्या आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए सी हमें नहीं मालूम है। ओके, तो यहाँ पर हम ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, कैसे फाइंड करेंगे आप जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम से यूज करके ए सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, तो क्या है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, आपका क्या है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, इन दोनों साइड का स्क्वायर अगर सम कर दे थर्ड साइड क्या होगा इक्वल होगा, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ध्यान देना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इसका यूज कर रहे हैं ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा आपका अंडर रूट। ठीक, ए सी इक्वल टू क्या आपका अंडर रूट। अब ए सी ए बी क्या है आपका 24, ए बी इक्वल टू 24 होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या आपका 7 स्क्वायर, ए बी इक्वल टू 24 बी सी इक्वल टू 7 स्क्वायर। हम इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ए सी इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होगा आपका 576, इसका स्क्वायर कर लेंगे और 7 का स्क्वायर होगा 49, इन दोनों को हम सम करेंगे तो कितना आएगा आपका 625। ओके, दोनों कैट गया 625 आएगा। अब इसका जब स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे एसी की वैल्यू क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। ये तो आपका ये मिल गया, लेकिन हमें फाइंड करना है साइन ए, तो यहाँ पे सो साइन ए फर्स्ट हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट का साइन ए, तो साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या आपका एसी है, ये क्या है हमारा एक एंगल क्या है ए है, तो ये क्या आपका क्या होगा ध्यान देना, ये आपका पी है, ये आपका बेस है, ये क्या आपका हाइपोटेनस है, ये कितना आपका 25, तो कितना आएगा 25, नहीं 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 परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 7 होगा आपका 7 अपान 25। ऐसे ही हम इसका सेकंड है कॉस ए, तो कॉस ए कितना होगा आपका कॉस ए, कॉस ए क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका 24 बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है इसका 24, बेस क्या है आपका 24 अपॉन 25। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। सेकंड भी हम सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड क्या है आपका वैल्यू साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, तो साइन सी और कॉस सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। अब साइन सी मतलब एंगल कौन सा लेंगे हम लोग, ये वाला, बोलो
इस केस में थोड़ा सा हम इसको यहाँ से हटा देंगे, कहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो ये जो आपका एंगल सी है, इसके अपोजिट एंगल क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। और ये क्या होगा आपका बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, एंगल सी की सी लेंगे तब, ओके एंगल सी की लेंगे तो क्या होगा आपका, ठीक है ना। तो एंगल जब सी ले रहे हैं यहाँ पे, तो एंगल सी क्या मतलब है आपका, एंगल सी के सामने क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और इसके जो ये साइड आपका जो बच रहा है ये क्या आपका बेस होगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज बना ही रहेगा, क्लियर। तो साइन सी, तो साइन सी क्या है आपका, साइन सी इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है इसका 25, नहीं नहीं परपेंडिकुलर ये आपका 24 अपॉन 25 ऐसे ही। एंड कॉस सी इक्वल टू क्या होगा आपका, कॉस सी क्या है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस इसका क्या है 7 अपॉन हाइपोटेनस 25। ये इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इजी है। थोड़ा सा आपको रेशियोज याद करना पड़ेगा, कौन सा साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, उसके बाद आपका जो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसे फाइंड करेंगे, ओके। नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 फिगर है आपका 8.13, फाइंड टैन पी कॉट आर, टैन पी यहाँ से लेना है और कॉट आर इस तरफ से लेना है, दोनों की वैल्यू हमें बताना है, बताने के बाद इस पर रखेंगे तब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेंगे, टैन पी और कॉट पी की, कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अथवा यहाँ देखो, तो यहाँ पे देखो बेस आपका नहीं दिख रहा है, तो आपका परपेंडिकुलर इसके इस एंगल से आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये क्या आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो क्यू आर हमें फाइंड करना है। इन ट्रायंगल PQR तो ध्यान देना यहाँ पे QR square equal to PR square minus PQ square, ध्यान देना। देखिए आपका क्या PR square equal to क्या होगा आपका PR = QR² + QP² लेकिन हमें QR चाहिए, तो हमें क्या होगा इस तरफ उसको मास की तरफ ले जाएंगे, मास जाएगा आपका PR² = QR² + PQ² और PQ इस तरफ होगा, इस तरफ क्या होगा मास जाएगा, हमें QR की वैल्यू चाहिए। तो QR² क्या होगा √PR² - PQ² यहाँ पे PR की वैल्यू रखते हैं, PR कितना है आपका, PR = 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर, ओके। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 169 माइनस 144, और इसको माइनस कर देंगे आएगा 25, और यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट क्या होगा 5, मतलब क्यू आर इक्वल टू क्या होगा आपका 5, ये आपका 5, ओके। तो ऐसे ही हम यहाँ पे टैन पी लेंगे, टैन पी, और टैन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे जो P है ना तो P के जस्ट अपोजिट क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका बेस है कि नहीं, एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो आपका बेस परपेंडिकुलर होता है, और जो बच रहा है इसमें से आपका इस 90 एंगल के लगा हुआ है ये आपका बेस होगा, जो बच रहा है आपका हाइपोटेनस होगा, ओके। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या होगा आपका 5 अपॉन 12, ऐसे ही एंड करके कॉट आर निकाल लेंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कॉट आर, आर ये है ना, आर के एंगल के अपोजिट लेंगे, ये एंगल लेंगे क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा आपका बेस, इसके जस्ट अपोज क्या होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये आपका कॉट आर क्या होता है आपका, ठीक है ना, बेस अपान परपेंडिकुलर। देखो दोनों में आपका रिलेशन होता है टेन और आर का, इसके जस्ट रिवर्स होता है इसमें, देखो इस रेशियो का, ठीक, लेकिन एंगल आपका यहाँ पे चेंज है आर, तो यहाँ पे बेस क्या होगा आपका क्यू आर, और क्यू पी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, इस एंगल के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा इसका 5, और परपेंडिकुलर क्या होगा 12, इस तरह से वैल्यू फाइंड हो गया। सो देयरफॉर
क्या है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, टैन पी माइनस कॉट आर। तो टैन पी कितना है, इसकी वैल्यू फाइंड किया हमने 5 अपॉन 12 माइनस क्या होगा आपका कॉट आर, कॉट आर के लिए कितना है 5 अपॉन 12, इसका भी है, इस तरह से ये जीरो आ गया, कितना आया 0, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया, इस तरह से आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप करेंगे, साइन एक कोल्ड या 3 अपॉन 4, तो यहाँ से आपको क्या मिला, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, ऐसे ही आपको इसको कैलकुलेट करके पहले क्या निकालेंगे, बेस की वैल्यू फाइंड करके तब कॉट ए और टैन ए की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।